लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज हम आपको ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिल्ली मुंबई नहीं सीधे अमेरिका से पढ़कर आई है, लेकिन अपने देश में आकर कोई बड़ा बिजनेस नहीं बल्कि खेती कर रही है, गाय पाल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ की वैष्णवी सिन्हा वैसे तो प्रोफेशनली गोल्फ प्लेयर है, IAS की बेटी है। 5 साल से ज्यादा टाइम वो शिकागो में रही, वहीं प्रोफेशनल तौर पर गोल्फ खेला, लेकिन इंडिया लौटने के बाद वो खेती कर रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि मैं शुरू से पढ़ने में काफी अच्छी थी, DPS नोएडा से 2008 में 12वां किया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए शिकागो के परडेव यूनिवर्सिटी चली गई, 5 साल तक वहाँ पढ़ाई की, साथ में गोल्फ की प्रैक्टिस भी करती रही। 2013 में ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल तक प्रोफेशनली गोल्फ खेला। 2015 में मैं शिकागो से इंडिया वापस आ गई। नोएडा में 1 साल तक छोटी बहन के साथ मिलकर ई कॉमर्स के फील्ड में काम किया। वैष्णवी का कहना कि उनका मन बंद कमरे में बैठकर काम करने में नहीं लगा। वे कहती हैं, मुझे इसकी आदत नहीं थी, मैंने उस काम को छोड़ कुछ अलग करने का सोचा। एक दिन मैं फैमिली के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी पापा ने मुझे लीक से हटकर कुछ अलग काम करने की एडवाइस दी। उन्होंने कहा, नोएडा में 40 एकड़ से ज्यादा की हमारी जमीन है, इस जमीन का यूज करो, उस पर अपना टाइम लगाओ, खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो और काम शुरू करो। पापा को देसी गाय बहुत पसंद थी, उन्होंने गाय खरीद कर बिजनेस करने को कहा। मुझे उनकी एडवाइस पसंद आई। 2017 में मैंने 10 गायें खरीदी। अब हमारे पास 21 गायें हैं। वो अब रोज 50 से 60 लीटर दूध देती हैं। इस बीच मैंने जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना और उस पर काम करना शुरू किया। आज गाय के गोबर से खाद बनाकर उसी से जीरो बजट प्राकृतिक खेती करती हूँ, साथ में सब्जी भी उगाती हूँ।